हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं और कई सीरियल व फिल्में बनाई गई हैं। भगवान श्री राम की कहानी ही कुछ ऐसी है कि हर कोई इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाता ही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्रिल और मैं हूँ नेहा आनंद। रामायण की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। अगर कोई रामायण पर आधारित फिल्म बनाना चाहता है तो उसे हर एक कैरेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है, खासकर प्रभु राम का। उनका किरदार निभाने के लिए एक्टर को अपने जीवन में बहुत शांति लानी होती है, अपने स्वभाव को भी नरम रखना पड़ता है। और अगर बात करें बॉलीवुड स्टार की, तो उनमें से कौन है जो भगवान राम के किरदार के साथ जस्टिस कर सकता है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो नाम है बॉलीवुड के सुपर हॉट एक्टर ऋतिक रोशन का। वैसे तो ऋतिक अभी अपनी फिल्म सुपर 30 की सफलता की खुशी मना ही रहे थे कि अब उनको इतना बड़ा रोल ऑफर हो गया है। हमें पता चला है कि ऋतिक डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में राम का किरदार निभाने वाले हैं। फिलहाल ऋतिक अपनी आने वाली फिल्मों में बिजी हैं, जिसमें हिट सीरीज क्रिश 4 और टाइगर के साथ उनकी फिल्म वॉर भी शामिल हैं। रामायण फिल्म को नितेश तिवारी और रवि उदयर मिलकर बना रहे हैं। इनके अलावा अल्लू अरविंद, नामित मल्होत्रा और मधु मंतेना जैसे नाम डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। सुनने में आया है कि ये फिल्म लाइव एक्शन टेक्नोलॉजी होगी और इसे 3D में शूट किया जाएगा। ये फिल्म सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी। इस फिल्म का बजट सुन आप चौंक जाएंगे, इसका बजट लगभग 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। वैसे आपको तो पता ही है कि रामायण सीता मैया के बिना अधूरी है। भगवान राम का किरदार तो ऋतिक के नाम हो चुका है, लेकिन अभी सीता मैया का किरदार कौन निभाएंगी ये फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि मधु मंतेना फिल्म में सीता के रोल में दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते हैं। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सुपरहिट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। उनके टैलेंट पर तो कोई भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्म्स दी हैं। लेकिन अभी तक किसी ने इस बात पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। दीपिका अगर इस रोल के लिए हाँ कर देती हैं तो दर्शकों को पहली बार ऋतिक और दीपिका की जोड़ी एक साथ देखने को मिलेगी। अब मुझे यानी नेहा आनंद को दीजिए इजाज़त। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।